हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। तो आप इस मुकाबले की फैंटेसी टीम बना सकते हो माई टीम 11 के ऊपर, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फैंटेसी प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर काफी शानदार कॉन्टेस्ट चल रहे CPL के, जहां पे आप काफी सारे पैसे जीत सकते हो। आपको डाउनलोड के बाद रेफर कोड डालना है स्पोर्ट्स कॉप, इससे आपको 100 रुपए फ्री मिल जाएंगे और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो माई टीम 11 ऐप को और स्पोर्ट्स कॉप कूपन कोड डालना बिल्कुल ही मत भूलना। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के मुकाबले की, जो खेला जाएगा त्रिनबागो नाइट राइडर्स वर्सेस बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बीच में त्रिनिदाद के ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर 23 अगस्त को शाम के 7:30 बजे से, और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं पिच रिपोर्ट के बारे में बात करता हूं तो ये एक अच्छा बैटिंग ट्रैक नहीं होने वाला, काफी स्लो ट्रैक, स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और यहां पे 185 पार स्कोर होने वाला है इस ट्रैक के ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ वेदर रिपोर्ट के बारे में तो थोड़ी बहुत बारिश आ सकती है इस मुकाबले के अंदर भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बारे में, तो अब तक इस टीम ने अपने 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं और ये टीम काफी स्ट्रांग लग रही है हर डिपार्टमेंट के अंदर। इस टीम की बैटिंग काफी अच्छी है, स्पिनर्स काफी अच्छे, फास्ट बॉलर्स काफी अच्छे, उसके अलावा इस टीम के पास काफी ज्यादा ऑलराउंडर होने वाले टीम के अंदर सुनील नारायण लगातार 2 मुकाबले में 2 हाफ सेंचुरी मारी है, उसके अलावा वो 3 विकेट भी निकालते, तो वापस से नारायण इस मैच के अंदर भी जबरदस्त खेलेंगे और वो इस टीम में सबसे बड़े प्लेयर होने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर भी। कॉलिन मंडो ने पिछले मुकाबले में 49 की काफी अच्छी पारी खेली, कॉलिन मंडो T20 के सुपरस्टार है, वापस इस मुकाबले के अंदर भी नंबर 3 पर अच्छी बैटिंग करना चाहेंगे। हालांकि लैंडल सिमंस कोई बड़ी पारी खेल नहीं पाए, पर लैंडल सिमंस भी काफी जबरदस्त प्लेयर, जरूर से वो फॉर्म में आने की कोशिश करना चाहेंगे। अगर मैं इस टीम की बॉलिंग के बारे में बात करता हूं तो सुनील नारायण के अलावा अली खान ने भी 3 विकेट निकाले हैं, अली खान काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टीम में, तो जरूर से अली खान एक बड़े बॉलर होंगे। और जेडन सील्स ने भी काफी कमाली बॉलिंग करते हुए 3 विकेट निकाले हैं, सील्स काफी तेज बॉलिंग डालते हैं, वापस से अली खान और सील्स के होते हुए इस टीम के पास फास्ट बॉलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है। और फवाद अहमद एक और काफी अच्छे स्पिनर है इस टीम के अंदर, फवाद अहमद अच्छे बॉलर है, अच्छी स्पिन डालते, विकेट टेकर बॉलर है, तो इस टीम के पास बहुत ही अच्छी बैटिंग है और बहुत अच्छी बॉलिंग भी होने वाली है। डीजे ब्रावो से 1 विकेट दूर है अपने 100 विकेट से CPL के अंदर और वो हाईएस्ट विकेट टेकर, वापस से CPL में एक और रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे डीजे ब्रावो। तो इस टीम के पास एक काफी स्टेबल स्क्वाड है, जबरदस्त बैटिंग है, जबरदस्त बॉलिंग है, एक्सपीरियंस है स्क्वाड के अंदर और अग्रेशन भी होने वाला है। तो अगर मैं त्रिनबागो की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं तो ओपन करेंगे सुनील नारायण और लैंडल सिमंस, नंबर 3 पे कॉलिन मंडो, नंबर 4 पे डेरेन ब्रावो, नंबर 5 पे टिम सिफोर्ड, नंबर 6 पे कारन पोलार्ड, फिर डीजे ब्रावो, अली खान, फवाद अहमद, खैरी पियारी और जेडन सील्स। तो ये टीम होने वाली त्रिनबागो की और त्रिनबागो की टीम ये मुकाबला जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगा। अब मैं बात करता हूं बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बारे में, तो बारबाडोस की टीम को पहले मैच में अच्छी जीत मिली लेकिन टीम अगले मुकाबले में हार गई बारिश की वजह से, सिर्फ 5 ओवर का मुकाबला हो गया था। लेकिन इस टीम के पास बैटिंग बहुत कमजोर है और इसकी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है इस टीम की, और स्पिन बॉलर्स काफी शानदार है इस टीम के पास। राशिद खान ने बहुत ही कमाल बॉलिंग करी टूर्नामेंट के अंदर, उसके अलावा राशिद ने अच्छी बैटिंग करते वापस इस मुकाबले के अंदर भी राशिद खान के ऊपर अच्छी बॉलिंग की जिम्मेदारी होने वाली है। मिचेल सैंडर ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करी इस टीम के लिए, वो इन स्लो ट्रैक्स पे अच्छे विकेट टेकर, उसके अलावा सैंडर काफी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और एशले नार्स और हेडन वॉल्श के होते हुए ये 2 और अच्छे स्पिनर जरूर टीम के पास, टीम में 4 स्पिनर हैं जो इस ट्रैक का फायदा उठा पाएंगे। अगर बैटिंग के बारे में बात करता हूं, पिछले मुकाबले के अंदर जॉनसन चार्ल्स ने काफी तेज पारी खेली, हालांकि वो आउट हो गए, पर चार्ल्स एक काफी अच्छे T20 प्लेयर, इस मुकाबले के अंदर भी चार्ल्स के ऊपर अच्छी बैटिंग की जिम्मेदारी होने वाली है। शे होप को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं चल रहे, और कोरी एंडरसन पिछली बार फुल टॉस पे आउट हो गए, जी हाँ आसान बॉल पे आउट हो चुके हैं, कोरी एंडरसन को फॉर्म में आना पड़ेगा वरना टीम उनको इतने मौके नहीं देने वाली। मेरे हिसाब से इस मुकाबले के अंदर टीम शमार ब्रूक्स को मौका दे सकता है, शमार ब्रूक्स एक काफी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छी बॉल डालते, मेरे हिसाब से इस मुकाबले के अंदर आपको शमार ब्रूक्स टीम में दिख जाएंगे। उसके अलावा मैं टीम में बात करता हूं तो पिछले मुकाबले में जेसन होल्डर ने भी अच्छी बैटिंग करी थी, पर होल्डर को बॉलिंग भी अच्छी करी देनी पड़ेगी। तो बारबाडोस के पास एक काफी स्ट्रांग स्पिन बॉलिंग है पर इसकी बैटिंग स्ट्रगल करती है,
अगर मैं इस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूं तो ओपनिंग करेंगे जॉनसन चार्ल्स और शे होप, नंबर 3 पे कोरी एंडरसन, नंबर 4 के ऊपर जोनाथन कार्टर, नंबर 5 पे शमार ब्रूक्स, नंबर 6 पे जेसन होल्डर, राशिद खान, मिचेल सैंडनर, एशले नर्स, हेडन वॉल्श और रोमेन राइफर। तो ये टीम मोस्टली बार्बाडोस की और बार्बाडोस टीम ही मुकाबला जीतना चाहेगा और दूसरी तरह से नाम है टूर्नामेंट की। आप बताओ मुझे कमेंट करके मुकाबला कौन जीतने वाला है, वो टीम होगी त्रिमाको यूनाइटेड की या फिर वो टीम होने वाली बार्बाडोस स्टूडेंट्स की, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम्स आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। अगर मेरे वर्ड के बारे में बात कर तो ऑब्वियसली बात है त्रिनबागो का पल्ला भर रहेगा इस मुकाबले के अंदर भी। त्रिनबागो के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और ये टीम जरूर से इस ट्रैक के ऊपर अच्छा खेलना चाहिए। तो यही था इस वीडियो के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद जरूर से आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर से कर देना, सब्सक्राइब करना त्रिना चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।